वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद कैसे आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद, तो उसके लिए दिल से सॉरी, मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं ट्रैवल्स में थोड़ा सा ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। एंड फिर घर आने के बाद फिर इधर उधर कुछ हुआ था ऐसा कि जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ। तो अब कोई दिक्कत नहीं है और अब मैं रेगुलर वीडियोज़ रखूँगी। उसी के साथ एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपको नहीं पता है कि मेरा एक सेकेंड चैनल है जो मैंने रिसेंटली क्रिएट किया है, पहले मैं क्या करती थी, इसी चैनल में मैं सब तरीके के वीडियोस देती थी, तो ढूंढने में आई थिंक थोड़ा कंफ्यूज होते थे लोग। तो अब वो नहीं होगा, मेरे जो डांसिंग वीडियोस हैं वो सिर्फ मैं उसी चैनल पर डालूंगी। सबसे पहले तो मेरे चैनल का नाम है रिया बीट वर्ल्ड, जिसमें सिर्फ डांसिंग के वीडियोज़ आने वाली है और सिनेमैटिक वीडियोज़, तो आपको अब दिक्कत नहीं होगी। एंड चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियोस आए तो सबसे पहले आप देख पाओ। उसी के साथ हम आज करने वाले हैं टेस्टिंग वायरल हैक्स, ब्यूटी हैक्स जो 5 मिनट क्राफ्ट्स के है। आप देख सकते हो कि बहुत यूट्यूब पे इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस है, तो मुझे भी कहीं लगा कि क्यों ना मैं बनाऊं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट हैक की तरफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड, जो पहला हैक है वो है फाउंडेशन हैक, जिसमें हम कॉन्टूर स्टिक से अपना एज अ फाउंडेशन हम उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एक लाइट कलर की कॉन्सीलर। एंड यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास कॉन्टोर स्टिक नहीं है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डार्क कलर का मैं इसको यूज़ करूँगी। तो चलिए करते हैं। देखिए, ये है फाउंडेशन हैक। एंड जो कॉन्टोर स्टिक से अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो उसके साथ आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो आप ये हैक ट्राई कर सकते हो, ऐसा उसमें बोला गया है। बट मेरे ख्याल से लोगों के पास कॉन्टोर स्टिक से पहले फाउंडेशन ही रहेगा, तो उस हिसाब से मैं इस हैक को देना चाहूँगी 5 out of 10, क्योंकि ठीक है अगर किसी के पास फाउंडेशन नहीं है एंड कॉन्टोर स्टिक है तो उनके लिए ये ठीक ही है। तो अब बढ़ते हैं अगले हैक पर। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो कि मेरे लिप्स कितने गंदे लग रहे हैं, तो अब हम बढ़ते हैं लिपस्टिक हैक पे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आपके पास लिपस्टिक नहीं होगी तो आप पहले अपने लिप्स पे लिप बाम यूज़ करके उसके बाद कोई भी अपने मन पसंदीदा आई शेडो को आप एज अ लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे लिप बाम। कोई भी एक आई शेडो ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो कॉमन जो कलर्स होते हैं जो सबके पास उस कलर के लिपस्टिक होते हैं, तो हम कुछ अनकॉमन सा लेंगे जो लिपस्टिक शेड में नहीं मिलती है। तो आई थिंक यहाँ से मैं कौन सा लूँ, ये या फिर मैं यूज करूँगी ग्रीन।
ये मतलब कुछ इतना बुरा भी नहीं है आई थिंक, क्योंकि जिनके पास आप मान लो कि आप ऐसा कोई ड्रेस पहन रहे हो जिसके शेड की आपके पास लिपस्टिक नहीं है, तो आप ये हैक को यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, अच्छे से लग गया है, तो या मैं इसको दूंगी 7 out of 10। हाँ, तो मैं इसको देना चाहूँगी 10 में से 7। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं अगले हैक पे। गाइस जो नेक्स्ट हैक है वो है आई शेडो हैक। तो यहाँ पे आपको चाहिए स्पून एंड आई शेडो लगाने का ब्लेंडर या जो भी है कट क्रीज के लिए। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि स्पून को यहाँ बैठा के यहाँ पे हम ऐसे शेडो लगा के अपना कट क्रीज क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले से ही तो मैं बता दूँ कि मुझे कट क्रीज आता ही नहीं है, तो मेरे लिए तो नया ही है, तो हम टेस्ट करते हैं, चलिए देखते हैं कैसा होता है। लेट्स स्टार्ट। तो हमें स्पून लेनी है, यहां पे बैठाना है, स्पून भी बड़ा है मेरे आंखों से। सो फ्रेंड्स देखिए, मुझे नहीं लगता कि हुआ है कुछ, शायद मैंने सही से किया नहीं है, पर हाँ मेरे लिए ठीक ही है, एज अ बिगिनर मेरे लिए ठीक ही है। मतलब जो भी फर्स्ट टाइम क्रिएट करना चाहते हैं कट क्रीज, उनके लिए सही है ये। तो मेरे लिए इस हैक को मैं दूंगी 8 out of 10। हाँ, तो मैं इसको दूंगी 10 से 8। अच्छा है बट बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगले हैक। सो फ्रेंड्स जो अगला हैक है वो है आईलाइनर हैक। हमें चाहिए थ्रेड एंड लाइनर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थ्रेड पे थोड़ा सा आपको लाइनर लगाना है और देन यहाँ पे बैठा के उसको मतलब छाप देना है जो भी है। तो चलिए ट्राई करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लगाना है हमको लाइनर। Then, ये हमें यहाँ पे आराम से बैठा के So guys, कुछ ऐसा हुआ है। आप देख सकते हो। तो चलिए, पहले से ही मुझे विंग बनाना नहीं आता, इसमें क्या यार हैकिंग हैक दिया है कि विंग आप इससे बन जाएगा, करना तो मुझे ही है ना। सो गाइस आप देख सकते हो कि इतना अभी बुरा नहीं बना है, थोड़ा सा मेरे से लंबा खींच गया है, अदरवाइज ठीक ही है, मुझे तो अच्छा ही लगा है। पहले मुझे लगा कि यार मैं थ्रेड से वैसा करूँगी, देन मुझे उसको खुद ही क्रिएट करना है, तो इसमें क्या हैक है, बट नहीं बहुत अच्छा है, मेरा विंग तो बहुत सुंदर ही बना है। तो इसको मैं दूंगी 10 on 10, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। शायद बहुत लोग एक्सपर्ट भी है तो उनके लिए शायद नहीं है, पर मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम। तो चलिए नेक्स्ट हैक। Thank you.
हैक है उसमें बताया गया है, अगर आपको कलर आईलाइनर लगाने का शौक है या आपको पसंद है तो आप लिपस्टिक के जरिए कोई भी शेड चूज करके उसको अपने आईज पे लगा सकते हो एज अ लाइनर। तो चलिए ट्राई करते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम लेंगे रेड कलर क्योंकि ये ज़्यादा हाईलाइट होगा, तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पे हमको थोड़ा सा ब्रश में ले लेना है लिपस्टिक। वाओ यार नॉट बैड गाइस, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है यार। वाओ मुझे ये है कि बहुत ज्यादा पसंद आया। इसको भी मैं दूंगी 10/10। यस 10/10 दूंगी क्योंकि बहुत अच्छे से लग गया है। ऐसा नहीं कि लिपस्टिक है तो थोड़ा मतलब अजीब होगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से लग गया एंड हूबहू लाइनर जैसा ही लग रहा है एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। सो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे भी आपको पार्ट टू चाहिए तो आप कमेंट पे बता सकते हैं तो मैं आप सबके लिए लाऊंगी। एंड इसी के साथ जो अभी जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से देखते हुए आप लोग घर पे ही रहिए, जितना कम हो सके बाहर निकलिएगा एंड सेफ्टी के साथ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और वैक्सीन लगाइए। सो स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो करके मेरी हर लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं।